हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द फाइव पैसा आईपीओ सीरीज। ये हफ्ता आईपीओस के लिए काफी बिजी वीक है क्योंकि इसी हफ्ते 3 आईपीओस लॉन्च हो रहे हैं। इस वीक का पहला आईपीओ था रत्नवीर प्रिसिजन इंजीनियरिंग जो 4th को ओपन हुआ था और नेक्स्ट आईपीओ है जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल्स लिमिटेड। कंपनी मल्टी स्पेशलिटी टर्शरी और क्वार्टरनरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है। इस वीडियो के थ्रू हम आपको बताएंगे कंपनी की स्ट्रेंथ्स, रिस्क ओवरव्यू एंड ऑफ कोर्स आईपीओ सिनॉप्सिस के बारे में। तो अगर आपको इस आईपीओ इशू की सारी जानकारी चाहिए तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द फाइव पैसा यूट्यूब चैनल टू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट आईपीओ एज वेल एज स्टॉक मार्केट न्यूज। तो चलिए एज यूजुअल देखते हैं आईपीओ डिटेल्स। इस आईपीओ का इशू ओपन होगा ऑन 6 सितंबर और क्लोज होगा ऑन 8 सितंबर 2023। इस आईपीओ की टोटल वर्थ है 869.08 करोड़ रुपीज। इसमें फ्रेश इक्विटी इशू है रुपीज 542 करोड़ का और एक ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल भी है 327.08 करोड़ रुपीज का। इसका जो प्राइस बैंड है वो सेट हुआ है फ्रॉम ₹695 टू ₹735 पर शेयर और लॉट साइज है 20 शेयर्स पर लॉट। शेयर्स अलॉट होंगे ऑन 13 सितंबर और आईपीओ लिस्टिंग डेट है 18 सितंबर की। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड, नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड और जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड इशू के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं। इशू के ऑब्जेक्टिव्स हैं बोरोइंग्स की फुल और पार्शियल प्रीपेमेंट और रीपेमेंट और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। इस सेक्शन में हम कंपनी की फंक्शनिंग में एक डीप डाइव करेंगे। जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल्स लिमिटेड 2007 में एस्टैब्लिश हुई थी। कंपनी मुंबई मेट्रोपॉलिटन एरिया और वेस्टर्न इंडिया में बेस्ड है। ये एक टर्शरी और क्वार्टरनरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है। जुपिटर ब्रांड के अंडर फिलहाल 3 हॉस्पिटल्स ऑपरेट करते हैं जो थाने, पुणे और इंदौर में बेस्ड हैं। इन 3 हॉस्पिटल्स में कलेक्टिवली 1194 ऑपरेशनल बेड्स हैं और मेडिकल टीम में 1306 प्रोफेशनल्स हैं। इनके थाने और इंदौर हॉस्पिटल स्पेशलाइज्ड न्यूरो रिहैबिलिटेशन सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इस हॉस्पिटल चेन को नेशनल अक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स और नेशनल अक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरी से भी सर्टिफिकेशन मिली है। कंपनी अपनी एक नई फैसिलिटी डेवलप कर रही है डोंबिवली महाराष्ट्र में, जिसमें 500 बेड्स की कैपेसिटी होगी। इसकी कंस्ट्रक्शन अप्रैल 2023 में शुरू हो चुकी है। अब हम इंडस्ट्री पर नजर डालते हैं। अगर अपने ग्लोबल काउंटर पार्ट से कंपेयर किया जाए तो इंडिया पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज पर सिग्निफिकेंटली लोअर स्पेंड करती है। आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ केयर एक्सपेंसेस भी काफी ज्यादा हैं, अमाउंटिंग टू 51% ऑफ टोटल हेल्थ केयर स्पेंडिंग इन 2020। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ये नैरेटिव चेंज करना चाहती है और पब्लिक हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर 2025 तक करंट 2% ऑफ जीडीपी से रेज करके 2.5% टू 3% ऑफ जीडीपी करना चाहती है। इस ऑब्जेक्टिव को रीच करने के लिए गवर्नमेंट ने आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना जैसे इनिशिएटिव्स भी लॉन्च किए हैं। बात करते हैं फाइनेंशियल्स के बारे में। The revenue from operations was reported at 892.54 crore rupees in FY23 against 733.12 crore rupees in FY22 and 486.16 crore rupees in FY21, up by 21.75% in 1 year and 83.59% in 2 years. EBITDA amounted to 211.74 crore rupees in FY23 against 157.40 crore rupees in FY22 and 71.26 crore rupees in FY21, up by 34.52% in 1 year and 197.14% in 2 years. PAT was marked at 72.90 crore rupees in FY23 against 51.12 crore rupees in FY22 and a negative 2.29 crore rupees in FY21, up by 42.61% in 1 year and 3,283.41% in 2 years. Total assets for FY23 were reported at 985.53 crore rupees against 908.69 crore rupees in FY22 and 788.90 crore rupees in FY21, up by 8.46% in 1 year and 24.93% in 2 years. Share capital for FY23 was reported at 56.51 crore rupees against 50.86 crore rupees in FY22 and FY21, up by 11.11% in both years. Total liabilities for FY23 were reported at 621.62 crore rupees against 620.26 crore rupees in FY22 and 542.46 crore rupees in FY21, up by 0.22% in 1 year and 14.59% in 2 years. अब इस सेक्शन में हम कंपनी की स्ट्रेंथ्स के बारे में बात करेंगे। कंपनी का 15 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है और एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉग्निशन भी है। कंपनी एक ऑल हब नो स्पोक मॉडल में ऑपरेट करती है विद अ फोकस ऑन क्वालिटी पेशेंट केयर। इस हॉस्पिटल चेन में स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स काम करते हैं। इनका ऑपरेशनल और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है और मैनेजमेंट टीम भी एक्सपीरियंस्ड है। कंपनी वेस्टर्न रीजन में अपने ऑपरेशंस एक्सपैंड भी कर रही है। रिस्क की बात करें तो कंपनी का आधे से भी ज्यादा रेवेन्यू इसकी थाने फैसिलिटी से आता है। कंपनी एक हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्री में काम करती है और इनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स भी हाई हैं। कंपनी और इसकी सब्सिडियरी ने पास्ट में लॉसेस भी रिपोर्ट किए हैं। कंपनी एक हाईली कम्पिटिटिव इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है और अपने लिस्टेड पेयर्स के कंपैरिजन में इनकी बेड ऑक्यूपेंसी भी कम है। मेरी तरफ से फिलहाल इतना ही। वी होप कि आपको इस वीडियो के थ्रू इस आईपीओ से रिलेटेड सारी जानकारी मिल गई होगी। हमें ये जरूर बताएं कि आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई करने वाले हैं कि नहीं। मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में जल्द ही।